सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, एक दिन वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं एलजब्रा, ठीक है, यानी बीजगणित। आज इसका 7वां लेक्चर है। इसके पहले जो है 6 लेक्चर इस पर हो चुका है। अभी चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नहीं तो जाके प्लेलिस्ट में एडवांस मैथ के नाम से भी प्लेलिस्ट बना, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। तो चलते हैं आज हम लोग क्वेश्चनों पे। आज का क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बीजगणितीय भाग विधि से शेष निकालना, जैसे दे दे आपको 2x² + 5x + 3 में अगर हम x + 1 से डिवाइड करें, भाग दे, तो शेष क्या बचेगा, आपने पढ़ा होगा ऐसा चीज़, ठीक। तो इसको अगर आप इसमें पहले भाग देते हैं, इसमें ये कितनी संख्याएं से मल्टीप्लाई करें फिर भाग दें, तब शेष हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आपको इतना तो समय है नहीं कि आप पहले इस तरह भाग दे दें फिर करें। यहाँ पे कुछ ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट आप मान रखिए और आंसर प्राप्त हो जाएगा शेष, ठीक। जिससे भाग दिया जाता है यहाँ पर, ये इसको कहते हैं भाजक, ठीक, और जिसमें भाग दिया जाता है इसे कहते हैं भाज्य, और ये होता है भागफल, भागफल, और ये नीचे होता है दोस्तों आपका शेष जो भी निकल के बचता है, ये तो आप जानते हैं ना। इसको प्राप्त करने के लिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेष में जोड़ देते हैं तो वही आपका ये भाज्य निकल के आता है, ये जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो समझिए, ठीक। तो अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं तो समझ में आएगा। अब जैसे दिया है आपके सामने ये छोटा सा क्वेश्चन है, पहले छोटे समझते हैं फिर आगे समझेंगे। x^11+1 में x+1 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक। तो इसमें जो है इससे भाग देना है तो क्या करते हैं, जिससे भाग देना होता है उसी के बराबर जो है शून्य मान लेते हैं अपने तरफ से, ठीक। उसका यहाँ से मानते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से यक्ष की वैल्यू निकाल के वही मान जो निकलता है वही यहाँ पे रख देते हैं, जो मान प्राप्त होता है वही शेष आपका जब इससे इसमें भाग देंगे तो वही प्राप्त होगा, ठीक। तो ये जो ये इसके बराबर शून्य माने थे, यक्ष बराबर इतना आ जाएगा, अब यही मान उठा के इसमें रख दीजिए तो रखेंगे तो क्या निकल के, x^11+1 है तो यहाँ पे रखेंगे -1^11+1। अब किसी भी माइनस है, किसी भी अगर पावर में विषम संख्या है तो ये माइनस माइनस में ही रहेगा, अगर ये सम संख्या है तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है, जानते हैं आप, ठीक। तो ये x^11 है तो ये -1 ही होगा और ये +1, -1 और +1 कटेगा तो आएगा आपका 0, यानी x+1 से इसमें अगर हम भाग दें तो शेष निकल के 0 आएगा, ठीक। चाहे उस तरह निकालिए चाहे इस तरह आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2x³, इसको मिटा दे रहे हैं, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2x³ + 5x² - 4x - 6 को 2x+1 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ठीक। तो हमने कहा जिससे भाग दिया जाता है उसी के बराबर पहले शून्य मानिए, तो 2x + 1 = 0, तो यहाँ से 2x = -1, तो x बराबर आएगा -1/2 आएगा। अब यही मान उठा के इसमें रखिए, x जहाँ जहाँ पर x है वो जो मान प्राप्त होगा वही आपका शेष होगा, ठीक। तो ये चीज़ है आपका 2x³ + 5x² - 4x - 6, ठीक। अब जहाँ पे x वहाँ पे ये मान रखिए, 2 × −1/2 का क्यूब होगा, ये क्यूब है तो क्यूब, और -5 × x² है, यानी कि −1/2 का स्क्वायर, और ये देखिए −4 × −1/2 + −6 होगा, ये यहाँ पे x है तो x बराबर −1/2 है, तो यहाँ पे −1/2 रख दीजिए। अब ये देखिए कट गया आपका 2 बार में,
कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए पावर में विषम संख्या है, जब पावर में विषम संख्या है दोस्तों तो ये जो है माइनस माइनस में ही रहेगा, यानी माइनस माइनस दो गुणे एक बटे में आठ हो जाएगा, एक बटे में आठ होगा कि नहीं, क्योंकि एक बटे में दो है, दो का क्यूब करेंगे आठ आएगा। अब ये देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस पाँच बटे में चार होगा। अब यहाँ पे ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दो, अरे प्लस दो आएगा और ये माइनस सिक्स। अब यहाँ से देखिए ये दो एक कितना कट जाएगा, दो एक कम दो, दो चौके आठ कट गया तो कितना एक बटे चार आया है, तो एक बटे चार यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। अगर यहाँ पे नीचे देखिए कहीं पे कुछ है, यहाँ पे एक मान लीजिए, यहाँ पे एक, तो ये चार और एक एक का एलसीएम लेंगे तो चार ही आएगा, और यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो माइनस वन और यहाँ पे प्लस फाइव। अब ये डायरेक्ट इसमें जो है चार का एक है तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस आठ और ये माइनस चार, चार छंग चौबीस, माइनस चौबीस आ गया। अब ये माइनस वन और माइनस ट्वेंटी फोर जोड़ेंगे तो माइनस पच्चीस आएगा और आठ पाँच तेरह, तो जो माइनस पच्चीस में से तेरह घटा देंगे तो माइनस माइनस बारह आएगा, माइनस बारह बट्टे में चार। अब यहाँ पे देखिए हम माइनस पच्चीस में से प्लस जो है प्लस तेरह घटाए हैं तो ये बारह तो आएगा, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगाते हैं तो माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस बारह बटे में चार, ये काटेंगे तो आएगा आपका माइनस तीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समय लेके हमने आपको समझाया है, लेकिन समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो कुछ सेकेंडों में आप डायरेक्ट यहाँ पर मान रख के आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो आप जब इतना बड़ा भाग करके शेष, तब भी आपका शेष तीन आता, इस तरह भी आप निकाले हैं तो शेष तीन ही आएगा। ठीक, तो समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग दोस्तों आपके ये सामने क्वेश्चन है, यक्स क्यूब माइनस फोर यक्स स्क्वायर प्लस ए यक्स प्लस बी और यक्स क्यूब माइनस ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस एट एक सामान्य गुणनखंड जो है यक्स प्लस टू है, तो ए और बी का मान आपसे पूछा है। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है ए बराबर तीन और बी बराबर पाँच होगा, या बी ऑप्शन है ए बराबर माइनस छः या बी बराबर बारह होगा, या सी जो है ए बराबर चार बी बराबर पाँच होगा, या डी जो है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको एक गुणनखंड सामान इतना दिया है और ए और बी का मान पूछा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहली बात, पहली प्राथमिकता ये करते हैं कि पहले जो यक्स प्लस टू है, यक्स प्लस टू है, इसके बराबर शून्य ले लेते हैं, तो यहाँ से यक्स बराबर निकाल लेते हैं माइनस टू। अब ये जो माइनस टू है, इसी का बारी बारी से दोनों समीकरणों में, दोनों में मान रखते हैं यक्स का, वहाँ से ए और बी का अलग अलग समीकरण बनता है, फिर दोनों समीकरणों से ए और बी का मान आएगा, लेकिन हमें तो उतना करना नहीं है, उतना करना है तो फिर काहे पढ़ने की ज़रूरत, तो उतना नहीं करना है हमें, एक में मान रखना है, उसके बाद ऑप्शन गो टू ऑप्शन में चला जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन देगा ही, ये सीजीएल टीयर टू का क्वेश्चन है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन में तो दिया रहेगा, डायरेक्ट ऑप्शन रखने पे जो मान प्राप्त होगा वही ऑप्शन मेरा सही होगा। देखिए कैसे हम करते हैं, पहले लेते हैं पहला वाला, यक्स क्यूब माइनस फोर यक्स स्क्वायर प्लस ए यक्स प्लस बी बराबर जीरो ले लेते हैं। ठीक, जहाँ जहाँ पे यक्स है, यक्स बराबर माइनस टू रख दीजिए। अब यहाँ पे माइनस टू का क्यूब माइनस फोर इंटू इंटू माइनस फोर इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस टू प्लस बी बराबर जीरो। ठीक, जहाँ जहाँ पे यक्स था वहाँ पे मान रख दिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या निकल के आएगा, माइनस एट होगा। अब ये देखिए प्लस में हो जाएगा प्लस फोर और ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई चार का मल्टीप्लाई करेंगे तो सोलह आएगा, लेकिन माइनस सोलह आएगा। ठीक, तो अब यहाँ से माइनस टू ए प्लस बी बराबर ज़ीरो आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा, सोलह आठ आएगा चौबीस, और चौबीस माइनस चौबीस को जीरो बराबर की इधर लाएंगे दाहिने तरफ तो प्लस चौबीस आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस टू ए प्लस बी बराबर चौबीस।
बस यहीं पे पहला समीकरण बन गया आपका, यहीं पे आपको रुक जाना है, यहीं पे रुक के यहीं से GTO मतलब गो GTO गो थ्रू ऑप्शन पे चले जाना है, जो ए बराबर यहाँ पे ऐसा ए और बी का मान तो दिया रहेगा और ए बराबर और बी बराबर ऐसा मान रखें कि 24 प्राप्त हो जाएगा, वही मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, नहीं तो इसको अगर बेसिक से लगाना है तो यहाँ से भी अभी जैसे हमने यहाँ पे ए और बी का मान निकाला है, यहाँ पर भी आप मान रख के यक्स का ए और बी का मान निकाल के इसी तरह समीकरण बनेगा, पहले और दूसरे समीकरणों से जोड़ घटा के ए और बी का मान निकालेंगे। तो इतना करने की क्या है कि ज़रूरत, यहाँ पे पहला समीकरण पता है, अब यहीं पे मान रखिए, अगर ए बराबर 3 रखेंगे और बी बराबर 5 तो क्या होगा, ए बराबर 3 रखेंगे तो यानी 3 × 2 = 6 −6 और बी बराबर यहाँ पे 5 −6 और 5 जोड़ेंगे तो कभी भी 24 नहीं देगा। अब यानी कि बी मान रखें, बी वाला क्या है −6 है तो −2 × −6 प्लस बी बराबर 12 रखे हैं तो बी बराबर 12 बराबर 24 ये वाला। अब देखिए −6 में −2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 होगा, अब प्लस ये 12 पहले से है तो 12 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 बराबर 24, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दे दिया मेरा, तो यही ऑप्शन मेरा सही है, यानी बी आला ऑप्शन यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक, तो इससे इतने से बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप जो है कुछ सेकेंडों में यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये दो क्वेश्चन है दिया है, इसमें आपको अधिकतम मान निकालना होता है। ठीक, तो देखिए जैसे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है तो a-3 b-2 और c+1 का अधिकतम मान बताइए, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 दिया तो a b c का अधिकतम मान पूछा है। ठीक, ये बहुत बार पूछा जाता है, देखेंगे तो NTPC और SSC CGL ग्रुप डी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे आपको दे a प्लस बी प्लस सी बराबर के है, कोई मान के है तो इसका अधिकतम मान निकालने के लिए a बराबर b बराबर c कर देते हैं बराबर k बटे में, जितनी संख्याएं रहती हैं उसे उतनी संख्याओं से इसमें जो है डिवाइड कर देते हैं, कितनी संख्याएं 1, 2, 3 तो 3 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी मान यहाँ पे प्राप्त होगा तो जितनी संख्याएं रहती है उतनी बार इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक k/3 × k/3 × k/3 का मल्टीप्लाई यानी कि k³/27 इसका अधिकतम मान आ जाएगा। ठीक, इस तरह अगर संख्या रहे तो पहले बराबर सबका कर देते हैं, जितनी संख्याएं रहे उससे डिवाइड कर देते हैं, जो मान प्राप्त होता है उसी का मल्टीप्लाई, जितनी संख्याएं हैं उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वह अधिकतम मान निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे हम करते हैं, देखिए आपका दिया है a+b+c बराबर 18 दिया है तो कितनी संख्याएं a+b+c = 18 कर दीजिए, तो 1, 2, 3 संख्याएं तो 18 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो मान कितना प्राप्त होगा 6 आएगा। तो पूछा है a b और c का मैक्सिमम मान, तो a बराबर भी 6 है b बराबर भी 6 है c बराबर भी 6 है, इसका अर्थ ये होता है जैसे a बराबर b बराबर c बराबर k है अगर, तो a बराबर भी k है b बराबर भी k है c बराबर भी k है, कोई चीज़ जो है सबके बराबर रहती है तो उसको इस तरह लिख देते हैं। ठीक, तो a b c का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका अलग अलग वैल्यू इतना है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×6 = 36 × 216 यानी कि a b c का मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका कितना आ गया 216 आ गया। अब उसी तरह इसको भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 दिया है लेकिन पूछा एक a-3 b-2 c+1 दिया है। ठीक, तो हमको जो है इस संख्या को इस तरह बना ले तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है
तो इसमें से तीन घटा दे, इसमें से दो घटा दे और इसमें जो है एक जोड़ दे। इसी तरह जितना इधर करेंगे जो जो काम, वही काम इधर भी कर देंगे तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भी जानते हैं। तो यानी कि a माइनस थ्री प्लस बी माइनस टू प्लस सी प्लस वन कर देंगे। c में जो है यहाँ पे जोड़ा गया है तो c प्लस वन बराबर है, वही कार्य। अब यहाँ पे भी कर दीजिए, तेरह तेरह में से यहाँ पे माइनस हुआ थ्री किया तो पहले थ्री घटा लीजिए, फिर माइनस टू किया तो माइनस भी टू कर लीजिए, यहाँ पे प्लस टू वन किया तो ये प्लस वन कर दीजिए, तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, ए माइनस थ्री प्लस बी माइनस टू प्लस सी प्लस वन बराबर कितना आएगा, तो जोड़ेंगे ये तीन हो गया, तीन तीन छः माइनस छः, तेरह में से छः जाएगा, कितना बचेगा आपका, तेरह में से छः जाएगा तो बचेगा ये, और ये कहां से, ये प्लस है ना, तो सॉरी यहां पे माइनस वन, ये चार, ये बचेगा आपका नौ आएगा। इनको तेरह और प्लस वन को जोड़ेंगे तो चौदह होगा, चौदह में से पाँच घटाएंगे तो नौ आएगा। अब आपको हमने कहा इस तरह दे, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ए माइनस थ्री बराबर बी माइनस टू बराबर सी प्लस वन बराबर नौ। अब जितनी संख्याएं एक दो तीन है, तीन से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपका, तीन प्राप्त हुआ। तो पूछा क्या है, इतने की वैल्यू पूछा है, तो यानी ए माइनस थ्री, दूसरे कोष्टक में बी माइनस टू और तीसरे कोष्टक में सी प्लस वन का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो जितनी संख्याएं रहती उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन बराबर तीन तरीका नौ तरीक सत्ताईस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, सत्ताईस आ गई। ठीक, चाहे आप इस तरह इसके बराबर, मतलब कि सबके बराबर जो है, इसके बराबर भी तीन है, इसके बराबर भी तीन है, इसके बराबर भी तीन है, तो सबका मल्टीप्लाई में पूछा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, अब हमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं मिनिमम वैल्यू का, वो भी पूछता है कई बार। तो आपके सामने ए बी सी डी बराबर इक्यासी दिया है, तब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो क्या करते हैं, जैसे दिया रहे ए बी सी और डी बराबर के मान लेंगे। ठीक, माना के, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर के माने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या कैसे फॉर्म में है, ए बी सी डी मल्टीप्लाई में है, कोई प्लस माइनस दिख रहा है नहीं, तो यानी कि के गुड़े कितने हैं, चार हैं, तो चारों का जो है के जो है चार बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, के गुड़े के गुड़े के गुड़े के चार बार है। अभी इतने बराबर क्या माने हैं, इक्यासी इक्यासी ले लीजिए, अब चार के कितना है, तो के पावर फोर, अब इसको इक्यासी को क्या लिख सकते हैं, तीन के पावर फोर लिख सकते हैं, तीन के पावर चार लिख सकते हैं ना इक्यासी को। अब यहाँ पे जो है तुलना करेंगे, तो जब ये आधार बराबर होता है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि जब ये बराबर होता है यानी घातें बराबर होती हैं, तो ये भी आधार भी बराबर होता है, तो के बराबर तीन निकल के आ गया। तो जो है के बराबर किसके लिए माने थे, ए बी सी के लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो सबके बराबर के माने, तो यानी के प्लस के पूछा है, तो के का मान क्या है, तीन है, तो तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन कितना आ गया, बारह आ गया इसका मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हम के माने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ए बी सी डी बराबर अपने से मान लीजिए के, और सबके बराबर हमने कहा कि शुरू में जो है सबके बराबर जब के है तो यहाँ पे बराबर का साइन लगा लीजिए, जितनी है उतनी के मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके पावर में इसको पावर, जे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो जाहिर सी बात है इससे कम होगा, अब इससे कम होगा तो उसका पावर जो है इसका क्यूब रूट निकाल के आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।